तो दोस्तों देख सकते हैं ये धोनी का फार्म हाउस है, उनके जबड़ा फैन यहाँ पर रांची में है। जीटी और सीएसके की मैच थी ना, हाँ, तो मैं ग्राउंड पे मिलने चला गया था, आप देख सकते हो। चेन्नई वर्सेस गुजरात के मैच में जब महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग कर रहे थे उसी दौरान एक डाई हार्ट फैन ग्राउंड में घुस जाता है, लेकिन एमएस धोनी का अंदाज देखे, एक छोटे बच्चे की तरह वो उस फैन से मिलते हैं। उसके बाद उस फैन के गले में हाथ डालकर इस तरीके से बातचीत कर रहे थे जैसे कि वो बरसों से उस फैन को जानते हों। कल गाड़ी लेके निकले थे तो ऐसे से हाई किया। तो मेरा नाम है जय जानी और मैं माई भाई को मिलने वाला बंदा मैं था, तो मुझे पता है कि आप सभी को क्या जानना है कि माई भाई जो मेरे कंधे पे हाथ रखे जा रहे थे तो 21 सेकंड उसने मेरे साथ बात की, तो बात क्या थी आप सभी को जानना है। सिक्योरिटी आने के बाद भी एमएस धोनी इस फैन को नहीं छोड़ते और सिक्योरिटी से बचाते हुए नजर आते हैं एंड फिर बड़े प्यार से उस फैन को जाने के लिए बोलते हैं। इस ट्रिप के बारे में मालूम है घर वालों को? भगवान से क्या ही बोल सकते हैं, आप ही बताओ। जितना टाइम खेलेंगे हम देखते ही जाएंगे, देखते ही जाएंगे। तो भाई क्या है सर, क्रिकेट ही नहीं देखेंगे? तो धोनी ने अपने जबरा फैन से वो 21 सेकंड क्या बात किए ये जानने के लिए हमारे वीडियो में अंतिम तक बने रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं धोनी के फार्म हाउस, क्योंकि उनके जबरा फैन रांची में ही है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये धोनी का फार्म हाउस है, हम लोग दलादली में है फिलहाल, और धोनी अभी रांची में है या नहीं है, उनके जबरा फैन यहाँ पर रांची में है जो गुजरात से आए हुए है, उनसे कई बार मिल भी चुके हैं और इनका रहना खाना पीना सब कुछ यहीं पे हो रहा है और ये धोनी की इंतजार कर रहे हैं। तो आप कहाँ से आए हैं भाई? गुजरात के भावनगर से। गुजरात के भावनगर से, और इससे पहले भी धोनी से मिल चुके हैं? हाँ, ग्राउंड पे मिला था पिच पे अहमदाबाद, और अहमदाबाद में जीटी और सीएसके की मैच थी ना, हाँ, तो मैं ग्राउंड पे मिलने चला गया था, आप देख सकते हो। अच्छा, देख सकते हैं इनके टी शर्ट में भी वो छपा के घूम रहे, इनका इंस्टा आईडी है। क्या मतलब यहाँ पे कब आए है रांची? मतलब मैं 13 तारीख को आया हूँ। 13 तारीख को? 13 तारीख को यहाँ, 13 तारीख ना, 13 तारीख को यहाँ हूँ और 3 दिन से यही पर हूँ। 3 दिन से ही है? रात में भी यही पर रह रहे हैं? रात में भी यही पर कहाँ पे रह रहे हैं, कहाँ पे सो रहे हैं? मतलब यहाँ रहते और वहाँ सोने चले जाते। अच्छा, वहाँ बाजू। और साथ में कौन कौन आए, मतलब आप अकेले है कि? नहीं, मैं और ये मेरा बड़ा भाई है। बड़े भाई है? हाँ, बड़ा भाई है। आप ही आए हुए है? अच्छा अच्छा, तो आप लोग धोनी के फैन सीएसके के बाद है या फिर माही भाई के लिए फैन? माही भाई के लिए। जो सब है, भगवान गुरु जो भी आप मानो, सब सिर्फ माही भाई है। कितनी बार मिल चुके हैं धोनी से? एक बार मिला वो, और कल गाड़ी लेके निकले थे तो ऐसे से हाई किया शायद यही पर। और ग्राउंड में भी आप मिले थे एक बार? ग्राउंड पे तो आराम से मिले थे, 21 सेकंड बात भी की थी मेरे साथ। आप लाइव मैच के दौरान ही घुस गए थे अंदर? हाँ, लाइव मैच के दौरान, लास्ट के 3 बॉल बचे हुए थे तो उस दौरान मैं घुस गया था। कब का ये वाकया है? वो 10 मई का, 10 मई की मैच थी ना, तो तब की बात है। तो सीधे ग्राउंड में घुस गए थे? क्या क्या बात हुई थी? बात हुई, उसने माई भाई ने मेरा नाम पूछा था, फिर बोला कि इतनी सांस की फूल रही तेरी, तो मैंने बताया मुझे नाक की दिक्कत है, तो उसके बारे में बात की। फिर आप मैंने सोचा, मैंने बताया कि आप आगे खेला, आप आगे खेलते जाओ, हम देखते जाएंगे, तो मैं आपको इस पिच पे खेलते हुए देखना चाहता हूँ। तो माई भाई ने बोला अरे खेलूंगा ना, खेलूंगा, और लास्ट में बोला कि ये लोग तुझे कुछ नहीं करेंगे। मैं घबरा गया था एकदम से, तो मैंने उसे पकड़ लिया था। तो माई भाई ने बोला इसे सिक्योरिटी वाले आपको कुछ नहीं किए? नहीं, कुछ नहीं किए। माही भाई के संन्यास की बात जो चल रही है, चाहे कि अगला आईपीएल खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, तो आप क्या चाहते हैं? मतलब अगर खेलेंगे वो तो खेलते ही रहे, जितना टाइम खेलेंगे हम देखते ही जाएंगे, देखते ही जाएंगे। और नहीं खेलेंगे तो भी? तो भाई क्या है सर, क्रिकेट ही नहीं देखेंगे, सीएसके मैच ही नहीं देखेंगे। वो अभी लग ही नहीं रहा कि वो ये इतने बूढ़े हो चुके हैं या ऐसे लग ही नहीं रहा अभी। वो मैं बूढ़ा लग रहा हूँ, वो नहीं लग रहा, ऐसा दिखता है। मुझे भी क्रिकेट खेलने दो ना तो मैं नहीं खेल सकूंगा, लेकिन उसका जो स्टेमिना है मेरे से ज्यादा है। गुजरात टाइटंस के इतने बड़े बड़े क्रिकेटर लोग है, हार्दिक पांड्या है, ये सब है, तो फिर भी आप धोनी के फैन? ये इमोशन से भाई, ये लेजेंड है, उसकी जो इमोशन अचानक से आया कैसे है?
कब से आया? वो मेरे बड़े भाई, मैं छोटा था ना तो सबसे मुझे यही गाइड करता है, देख माही भाई माही भाई। और जब से वो जीता है ना टीम को पहली बार, उसके जो बड़े बड़े बाल थे तो तभी से मेरे दिल में बस गए माही भाई, और तभी से मैं उसके पीछे ही हूँ। आप भी क्रिकेट खेलते हैं? हाँ क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट मतलब कैसा क्रिकेट, काउंटी क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन डिवीजन सब कुछ खेले है, गली क्रिकेट वगैरह मतलब ऐसे खेलता हूँ, लेकिन मुझे नाक की दिक्कत है, मैं नाक से सांस नहीं ले पा रहा हूँ। अच्छा, तो मुझे डॉक्टर से मना किया हुआ है कि तू ऐसे दौड़ा मत कर। दौड़ने में फिर भी मैं दौड़ा था। गुजरात से कैसे आए? ट्रेन में, लोकल ट्रेन में। घर वाले ये नहीं किए कि मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्यों जा रहे हो, क्या जा रहे हो? कुछ घर वालों को पता ही नहीं था या, क्या है ना अभी इस ट्रिप के बारे में मालूम है? इस ट्रिप के बारे में मालूम है घर वालों को? हाँ इस ट्रिप के बारे में मालूम है। अच्छा, लेकिन क्या था ना कि जब भी वो मैच थी ना 10 मई को, तभी मेरी फाइनल एग्जाम थी, तो मेरे पास दो ऑप्शन थे। मुझे लगा था कि अहमदाबाद में माही भाई की लास्ट मैच है, तो मैंने सोचा कि एग्जाम तो ठीक है माही भाई से अब देख लूंगा। तो देखने क्या ऊपर वाले का आशीर्वाद था, नसीब था मेरा, देखना तो क्या मिल रही है उसे। और कहां कहां मैच देखने के लिए गए? बाहर भी गए? एक ही बार देखने गया था, एक ही बार, क्योंकि ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं था देखने को। अहमदाबाद में भावनगर से 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर है, तो वहीं पे मैंने सोचा कि यही देख लेते, और कहीं मैं जा नहीं सकता था। तो यहाँ आने के लिए मुझे वो जब मैच था ना तो उसको 3-4 महीने हो गए, तो यहाँ आने के लिए मुझे 3 महीने हो गए, तो सोचो मैं कहाँ पर मैच देखने जाऊंगा। तो इस बार का जो ट्रिप आप बता रहे थे कि लोकल ट्रेन से आप होकर यहाँ आए, कितने दिन के बाद पहुंचे यहाँ गुजरात? 2 दिन के बाद में यहाँ पहुंचा। और अभी कितने मुझे पता, मुझे पता नहीं था, मुझे पता चला कि माही भाई हो गए नहीं हो गए, मैंने सोचा कि चल निकल लेते, तो अर्जेंट निकलना था तो कोई रिजर्वेशन हो ही नहीं पाया, लोकल ट्रेन में आ गया। आप कितने दिनों से हैं अभी रांची में? रांची में अभी 3 दिनों से। 3 दिनों से, तो बस यही माही भाई का जो फार्म हाउस है उसके बाहर में ही है। बाहर में ही है। माही भाई से मिलना है तो क्या बोलना है उनको, मतलब क्या किस लिए इतना? बस सर मैं ग्राउंड पे कूदा था, वही बंदा मैं हूँ। अच्छा, और बस एक बार देखना है, दर्शन करने और एक फोटोग्राफ लेना है, सिर्फ फोटोग्राफ, बस क्योंकि और कुछ क्या भगवान से क्या ही बोल सकते हैं, आप ही बताओ। और जब तक नहीं मिलेंगे तब तक आप यहीं रहेंगे? तब तक यहीं पर रहूंगा, तब तक यहीं पर रहूंगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक, जो भी हो जाए। देख सकते हैं ये धोनी का फार्म हाउस है, और गुब्बारा, बड़ी बड़ी गेटे, और इन लोग का ठिकाना यहीं पे है, यहीं पे रह रहे हैं। जबरा होए रे, जबरा फैन हो गया।